हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आरएनडी डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। आज का जो टॉपिक है, मतलब क्या आप कोरोना के लिए परेशान है? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे टाइम पे कोरोना क्यों आया, मेरा जॉब चला गया, कंपनी बंद हो गया, आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या आप ऐसे सोच रहे हैं? अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इसी टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोरोना के साथ और कोरोना के बाद क्या ऐसा करियर ऑप्शन है या क्या ऐसा बिजनेस ऑप्शन है। मैं टॉप 5 करियर ऑप्शन या बिजनेस ऑप्शन में बताऊंगा कोरोना के साथ और कोरोना के बाद जो चल रहा है, चलने वाला है, दौड़ने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक कि कोरोना के साथ और कोरोना के बाद क्या ऐसा ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है। सो डेफिनेटली है फ्रेंड्स। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और उसके साथ आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। मान लीजिए कि हम मुंबई में है और आज हमें मुंबई से पुणे जाना है। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए मैं घर से निकला और बीच रास्ते में मेरा गाड़ी पंक्चर हो गया, तो आप क्या करोगे? जब गाड़ी पंक्चर हो गया रास्ते में, आप गाड़ी से उतर के रोना चालू कर दोगे? आप बोलोगे कि रास्ता खराब था, ट्रैफिक जाम था, मेरे साथ ही ऐसे होना था, अरे मेरा बैड लक है, आज का दिन ठीक नहीं है, ऐसा रोना धोना चालू कर दोगे क्या? आप ऐसा अगर करोगे तो आप मंजिल तक आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे, पुणे आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। और ऐसा करे भी तो बैगियर में आप मुंबई भी रिटर्न नहीं कर सकते। यानी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो आ गया है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उसी में ही आपका मेरा सबका भला है। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे गाड़ी में टूल किट है कि नहीं है। अगर हमारे गाड़ी में टूल किट होगा तो इमीडिएटली उसको निकालेंगे, टायर निकालेंगे और फिर से नया टायर डालेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ेंगे। बट हमारे पास अगर टूल किट नहीं होगा तो पहले हम ध्यान रखेंगे कि अगले बार घर से बाहर निकले तो गाड़ी में टूल किट होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, किसी को लिफ्ट मांगेंगे, कोई मैकेनिक ढूंढेंगे, किसी गाड़ी को लिफ्ट मांगे अगर उसके पास टूल किट होगा तो उसका हेल्प लेंगे। ऐसा कुछ भी करके, मान लीजिए कि गाड़ी का धक्का मार के किसी और का हेल्प लेके, गाड़ी का धक्का मार के गैरेज तक लेके, गाड़ी का पंक्चर को रिपेयर करके, सब कुछ ठीक ठाक करके, देर से सही बट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर अपने मंजिल की तरफ हम निकल पड़े। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें यह बोलना चाहूंगा, इस कोविड के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हम गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, चाइना को दोष दे रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को दोष दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मेरे टाइम पे ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा कंपनी क्यों बंद हो गया, मेरा जॉब क्यों चला गया। फ्रेंड्स, आपके साथ अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसे करोड़ों अरबों लोगों के साथ हुआ। तो प्रॉब्लम के टाइम पे बैठ के गाना गाएंगे, बैठ के रोना रोएंगे तो कुछ फल निकालने वाला नहीं है। इस टाइम पे हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। इसके लिए हमें इस तरीके से सोचना है, बैठ के रोना रोएंगे तो कुछ नहीं होगा। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे का बुराई कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सोचना होगा कि इस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस दौड़ रहा है, कौन से फील्ड पे अपॉर्चुनिटी है, कौन से जॉब बढ़िया है, कौन से बिजनेस मैं कर सकता हूँ, कौन से बिजनेस दूसरे लोग करके इस टाइम पे सक्सेस हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं, कभी भी कोई भी तकलीफ आता है ना, उस तकलीफ में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। तो इस तकलीफ के टाइम पे आपको सोचना है कि इस टाइम पे मैं कौन सा जॉब करूं, क्या ऐसे न्यू क्वालिटीज मेरे अंडर डेवलप करूं, क्या ऐसे न्यू इंडस्ट्री में मैं एंटर करूं, क्या ऐसे न्यू बिजनेस चालू करूं जो चल रहा है, चलेगा और उसका फ्यूचर काफी लंबा है। हमें इस तरीके में सोचना है और डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन जो है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आप देर ना करें, आप प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे तकलीफ वाले टाइम पे आपको कौन सा करियर चूज करना है, कौन से बिजनेस ज्वाइन करना है, उसका मैं टॉप 5 में ऑप्शन आपको बताऊंगा। यानी कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी वो टॉप 5 इंडस्ट्री में हम जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं,
करियर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एक आपको बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर स्किप मत करना, क्योंकि इसमें ही आपका भला है, आप डिसीजन ले पाएंगे मुझे कौन से इंडस्ट्री में जाना है, कौन से जॉब करना है, कौन से बिजनेस करना है। सो फ्रेंड्स, जो मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं, उसमें मैं आपको पहला पॉइंट एक एग्जांपल के तरीके में बताऊंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स है जो लोग पहले कुछ भी उनका रिक्वायरमेंट होता था, यानी ग्रोसरीज का रिक्वायरमेंट हो, एसेंशियल्स आइटम का रिक्वायरमेंट हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हो, या गारमेंट्स का हो, या ऐसे कोई भी आइटम्स का रिक्वायरमेंट होता था, वो लोग क्या करते थे, ऑफलाइन यानी जो नॉर्मल रिटेल स्टोर होता था वहां पे जाके अपना प्रोडक्ट परचेज करते थे, अपना सामान लेके आते थे। यानी वो लोग कभी ऑनलाइन परचेज नहीं करते थे। ऑनलाइन के बारे में उनके माइंड में गलत जजमेंट होता था, गलत सोचते थे कि चीटिंग होता है या ऐसा और वगैरह वगैरह ऐसे सोचते थे। आज फ्रेंड्स ऐसा एग्जांपल आपके साथ भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और जो थे वो ऑनलाइन परचेज करते ही नहीं थे, दुकान में जाके परचेज करना ज्यादा प्रिफर करते थे। अभी क्या हो गया, कोरोना के साथ लोग घर में लॉकडाउन में रह गए हैं, बहुत सारे जगह पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है जिसके वजह से वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और जहां पे लॉकडाउन थोड़ा सा लाइक लोग को छूट मिला है वहां पे भी लोग डर के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको कोरोना हो गया। इसके लिए लोगों ने क्या किया, अपने घर में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर देना प्रीफर किया। फ्रेंड्स अपने घर में बैठ के लोग ऑनलाइन ऑर्डर देना शुरू किया, अपने घर पे होम डिलीवरी मंगाया, यानी उनका जो भी रोज का आइटम है, वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रोसरी हो, गारमेंट्स हो, कोई भी एसेंशियल्स आइटम्स हो, लोग ऑनलाइन ऑर्डर देना प्रीफर किया, और काफी लोग ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, इंसान का जो आदत है फ्रेंड्स वो बहुत जल्द नहीं बदलता है। इसी ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग गलत जजमेंट लिया करते थे, गलत बोलते थे, बट आज भारत के मैक्सिमम लोग जो है इसी ऑनलाइन और ई कॉमर्स कंपनियों में से अपना रोज का जो सामान है वो फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रोसरी हो और जो भी आइटम हो वो ऑर्डर करते हैं। यानी एक बार आदत बदल गया तो इंसान फिर उसी को ही कंटिन्यू करता है, फिर से दूसरा आदत बदलने के लिए उसको काफी टाइम लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है, बहुत ही राइट मौका है। यानी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे कंपनियां बंद हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्री खत्म हो गए। जैसे आप देखोगे, अगर ट्रैवल इंडस्ट्री का बात करोगे तो हम बता नहीं सकते इस टाइम पे ट्रैवल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, बट ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे फ्यूचर ही फ्यूचर है। कोरोना जो है इस इंडस्ट्री के लिए मान लो कि ब्लेसिंग्स हो गया, यानी ये इंडस्ट्री पहले चल ही रहा था, दौड़ रहा था, अभी कोरोना आने के बाद इसका समझ लो कि और भी भागने लगा, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन खरीद नहीं रहे थे वो लोग ऑनलाइन खरीदने लगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज बताऊंगा कि कोरोना जो है ना, अभी ऐसा नहीं है कि 25 तारीख का खत्म होगा, 1 तारीख का खत्म होगा, मतलब आप डेट बोल दोगे कि इस तारीख का खत्म हो जाएगा कोरोना, ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, आप नहीं जानते हो, इवन गवर्नमेंट भी नहीं जानता है कि कोरोना कब खत्म होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि आपको मेरे को कोरोना के साथ रहना पड़ेगा और सीख लेना पड़ेगा कि कोरोना के साथ जो है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जो है कम से कम हम बाहर जाए, कम से कम दूसरे के कांटेक्ट में आए, इसके लिए ऑनलाइन ही सबसे बेहतरीन मौका है। वो जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, कोई भी चीजों के लिए हो, ऑनलाइन और ई कॉमर्स जो है सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आज के डेट में। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ग्रोफर और बिग बास्केट जो है वो ऑलरेडी फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रोसरी वो सारे सप्लाई करते थे, बट ये अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी फिलहाल 12,000 एम्प्लॉई रिक्रूट करने के लिए तैयारी में है। मैं आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दूंगा, फ्लिपकार्ट जो है वो खाली 5 शहर में ये सारे एसेंशियल आइटम सप्लाई करते थे, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या ग्रोसरी 5 शहर में सप्लाई करते थे, बट अभी इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए उनका पूरा तैयारी है 300 टाउन में ये सप्लाई करने के लिए। सोचिए 300 टाउन में फ्लिपकार्ट का तैयारी है, यानी कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है जो लोग पहले सिर्फ अपना रिटेल में ही बेचते थे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, विजय सेल्स, कोहिनूर, ब्रेड ईस्टर्न रिटेल्स, ये सारे जो है वो अपने रिटेल में ही बेचते थे, बट आज वो भी अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं, आज वो भी ऑनलाइन आ रहे हैं, यानी ई कॉमर्स में आने का पूरा तैयारी है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है अपने एम्प्लॉय को रिट्रेन कर रहे हैं ई कॉमर्स में कैसे माल बिका जाए, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे किया जाए, उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को कैसे अपना प्रोडक्ट का डेमो दिया जाए,
वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों को कैसे प्रोडक्ट बिका जाए, ये सारे चीजों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना है, कोरोना जो है ना, ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ब्लेसिंग्स बन गया। इसके लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जो दूसरे बड़े सारे ई कॉमर्स कंपनी, हर ई कॉमर्स कंपनी में रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ई कॉमर्स ही सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस कोविड के टाइम पे काफी सारे न्यू ई कॉमर्स कंपनी ऑलरेडी आ चुका है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आपको बिजनेस करना है, ई कॉमर्स आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इतना फंड नहीं है तो ई कॉमर्स कंपनी के साथ आप टाइप होकर आप आपका प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आप सर्विस बेच सकते हैं, उसके साथ साथ उसके रिलेटेड सर्विस भी आप दे सकते हैं। सो मैं आपको मेरा जो पहला पॉइंट है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है। मुझे पर्सनली ई कॉमर्स बहुत पसंद है और ये सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, खाली भारत में नहीं, एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। वेस्टर्न कंट्री में तो पहले लोग एडॉप्ट कर लिए थे, हमारे कंट्री में इतना ज्यादा एडॉप्ट नहीं हुआ था, बट आज के डेट में यही सबसे ब्राइट फ्यूचर है, वो है ई कॉमर्स। ऑनलाइन बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, करियर बनाना हो, नंबर वन प्रेफरेंस है वो है ई कॉमर्स ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है या ग्रोइंग फील्ड है, वो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। फ्रेंड्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आप ध्यान से सुनिए, मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लास्ट 2-3 महीने में लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसा है जो फोन करके पूछ रहे हैं कि मेरे बिजनेस जो है लॉकडाउन के वजह से XYZ हो चुका है, अभी मैं मेरे बिजनेस को डिजिटली शिफ्ट करना चाहता हूँ, यानी डिजिटल मीडिया माध्यम का मैं हेल्प लेना चाहता हूँ, आप बताइए कि इस बिजनेस को मैं डिजिटल मीडिया में कैसे शिफ्ट करूं, डिजिटली मेरे ब्रांड कैसे बिल्ड करूं, डिजिटली लीड जनरेट कैसे करूं, डिजिटली ऑल ओवर इंडिया में मेरे इस बिजनेस को कैसे मैं एक्सपांड करूं। आप समझिए कि लोगों ने कोरोना में अफेक्ट होने के बाद, उनका बिजनेस, उनका नौकरी और सब जाने के बाद, लोग ज्यादा कॉन्शियस है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जनरेट, रेवेन्यू जनरेट, जॉब। ये एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, ड्यूरिंग कोविड ये लॉकडाउन के दौरान 87% इंक्रीज हुआ है। यानी पहले लोग जो सोशल मीडिया यूज करते थे, फेसबुक या व्हाट्सएप स्पेशली, जो सोशल मीडिया का यूजेस है उसमें 87% इंक्रीज हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान। यानी करीब एक इंडियन जो है, एक भारतीय जो है, एक दिन में 4 घंटे के करीब फेसबुक और व्हाट्सएप में टाइम बिताता है, जो टाइम जो है काफी ह्यूज है। अभी बिजनेस टुडे का एक दूसरा रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करूंगा, इस लॉकडाउन के दौरान करीब 42% इंक्रीज हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, 42% इंक्रीज हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, पहले जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वगैरह ऑडिटोरियम में हुआ करता था, आज वो कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो है वो लैपटॉप के स्क्रीन पे हो रहा है, यानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम पे हो रहा है। इसके अलावा जो स्टैंड अप कॉमेडी है या लाइव इवेंट है, वो सारे भी अभी वीडियो माध्यम से हो रहा है, यानी आपके लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पे हो रहा है। इसके साथ साथ कोई सोशल इवेंट हो, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, या फिर कोई रिलीजियस इवेंट हो, ये सारे जो है ऑनलाइन ही हो रहा है, यानी डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो है ना, ये समझ चुके हैं कि ट्रेडिशनल मीडियम में अभी कुछ बचा नहीं है और उसमें बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया मार्केटिंग जो है वो काफी एक्सपेंसिव है, सब लोग नहीं कर सकते, उसमें रिपोर्ट जनरेट नहीं किया जा सकता है, लीड जनरेशन काफी एक्सपेंसिव है, उसका कोई ट्रैक नहीं हो सकता। बट डिजिटल मीडिया माध्यम में ये जो है काफी इकोनॉमी है, कम से कम पैसे में शुरू किया जा सकता है, काफी इकोनॉमी है, लीड जनरेशन आसान है। अगर आप पूरे भारत में एक नेशनल ब्रांड बनना चाहते हो तो कम टाइम पे ज्यादा लोगों तक इसमें पहुंच सकते हैं। यानी जो अभी बिजनेसमैन है वो सारे समझ चुके हैं कि डिजिटल, अगर आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और स्पेशली कोविड के साथ, कोरोना के साथ और कोरोना के बाद अगर आपको ग्रो करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आप एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े दिन में आपके बिजनेस जो है वो राम राम होने वाला है। बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी अभी अपना कोरोना के बाद जो है एक पार्ट बन गया बिजनेस का। बिना टेक्नोलॉजी यानी बिना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। गांव के छोटे किराने दुकान से लेकर बड़े MNC तक सब लोग टेक्नोलॉजी एडॉप्ट ऑलरेडी कर ले रहे हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी ये जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है, इस फील्ड जो है ये काफी वास्ट है, यानी काफी बड़ा फील्ड है,
इसमें जो चाहे आप कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड है, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, जैसे लीड जनरेशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईआरपी बनाना, एप्स बनाना, डिजिटल मीडिया कंसल्टिंग करना, वीडियो कंसल्टिंग करना, ये सारे चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जितना बोलूंगा उतना कम रहेगा। यानी ये जो मैंने आपको बताया, इधर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, लीड जनरेशन हो, ईमेल मार्केटिंग हो, ये सारे डिजिटल मीडिया का एक एक टूल है। स्कोप का अगर मैं बात करूं, आप इसमें डिजिटल मीडिया एजेंसी कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई स्किल आप में है तो आप कोई कंपनी में जाकर जॉब भी कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया के रिलेटेड आप सर्विस भी कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये इसी साल ये 25,000 करोड़ में पहुंचने वाला था, बट कोविड इसके लिए ब्लेसिंग्स हो गया। ये इस साल के एंड तक ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई होगा। यानी सोचिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है। आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, जो मर्जी करना है करो, डिजिटल मीडिया में उतना स्कोप है ही है। और आप आज देख रहे होंगे कितने लोग डिजिटल मीडिया में आ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पहले अडॉप्ट कर चुके थे, हम देर में किए हैं, बट देर में सही आपको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वन ऑफ माय फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊंगा जो कोविड के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं पहले दो पॉइंट बता चुका हूँ, अभी तीसरा पॉइंट जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप सभी को पता है, मतलब हमारा खिलौने में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जब बचपन हम जब बच्चे हुआ करते थे, बच्चे का खिलौने में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, स्पोर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वेकेशन में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अच्छे कपड़े पहनने में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या फिर पेरेंट्स उसके सारे चीजों कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। यानी हमारा जो इंडियन पेरेंट्स है वो बच्चे के एजुकेशन के लिए काफी सीरियस है। जो भी कॉम्प्रोमाइज होगा चलेगा, बच्चे को बहुत ही बढ़िया और अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। बट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एजुकेशन जो है ना, मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन जो है वो रिसर्च प्रूफ है, एजुकेशन पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बट मैं जो बात कर रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए। पहले ऑनलाइन एजुकेशन जो है उतना नहीं था जितना इस कोविड के टाइम पे है और जितना इस कोविड के बाद होगा। यानी रिसेंटली यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक स्पेशल कमिटी बनाया हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। आज के डेट में मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को एडॉप्ट कर लिए हैं। बच्चे आज घर में बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ऑनलाइन मॉड्यूल्स दे रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ऑनलाइन। यानी अगर कोई बंदा एक छोटे शहर में है, छोटे गांव में है, वहां पे रह के भी हाई क्वालिटी एजुकेशन अपने देश में, यानी भारत में या भारत के बाहर भी, कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटी में हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो लो प्राइस में भी ले सकता है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है अभी कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद भी एक सबसे बड़ा बेहतरीन मीडियम है अपना करियर बनाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे स्कोप और अपॉर्चुनिटी क्या है। मान लीजिए कि अगर आप ट्यूटर हो, मतलब आप किस चीज में आपका एक्सपर्टीज है, आप पढ़ाते हो, सिखाते हो, तो उसी चीज को आप ऑनलाइन सिखा सकते हो। अभी ऑनलाइन सिखाने के लिए आपके स्टूडेंट जो है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकते हैं। सो आप यहाँ पे ट्यूटर बन सकते हो। और दूसरा, कोई दूसरे ट्यूटर जो है जिनको ऑनलाइन पढ़ाना या ऑनलाइन सिखाना नहीं आता है, जिस चीज में वो एक्सपोर्ट है, उनको आप हेल्प कर सकते हो। यानी वहां पे आप रेवेन्यू शेयर मॉडल में भी काम कर सकते हो, सर्विस, आप कुछ भी सर्विस दे सकते हो जो ऑनलाइन एजुकेशन के रिलेटेड है। डिजिटल सर्विस दे सकते हो स्कूल और कॉलेज को, एडमिन सर्विस दे सकते हो, सपोर्ट सर्विस दे सकते हो। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। जैसे हमारे भारतीय पेरेंट्स हो, वो एजुकेशन के लिए काफी सीरियस है, और कोरोना के साथ और कोरोना के बाद आपके बच्चे को बाहर और बहुत दूर भेजना नहीं पड़ेगा, घर में रह के ऑनलाइन के माध्यम से, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। इसके लिए ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोरोना के साथ और कोरोना के बाद। आप देख लीजिए इसमें आप कैसे अपना करियर या अपना बिजनेस आप कर सकते हो। ये नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा,
आज अगर कोई छींक मारता है ना फ्रेंड्स, आपके नियर बाय कोई भी छींकता है तो आपको लगता है कि उसको तो कोरोना नहीं हुआ है, उसने छींका, उसके लिए अपने को ये डर आने लगता है कि मुझे तो कहीं कोरोना वायरस नहीं हो जाएगा। मतलब लोगों के माइंड में एक डर पैदा हुआ है और डर के साथ लोगों के माइंड में एक अवेयरनेस भी पैदा हुआ है। आज हर लोग ये चाहते हैं कि उनका बॉडी का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए, यानी लोगों को आज के डेट में इम्यूनिटी क्या है पता है, वो भी कोई भी लोगों को पता है, यानी लोगों को ये पता है कि अगर बॉडी का इम्यूनिटी कम है तो कोरोना वायरस कैसे उसको अफेक्ट कर सकता है। लोगों को ये पता है अगर उसका इम्यूनिटी ज्यादा है तो कोरोना वायरस उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, यानी लोग अपना बॉडी में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए उसके रिलेटेड चीज ये सारे लोगों को पता है। आज हमारे सोसाइटी में, आपके सोसाइटी में भी सिक्योरिटी गार्ड को ये पता है इम्यूनिटी क्या है, सैनिटाइजर का क्या इंपॉर्टेंस है, हैंड वॉश का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पता है, और अपना हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पता है, घर के मेड को भी पता है। यानी खाली डॉक्टर या फिर खाली ऐसे हेल्थ केयर के रिलेटेड फील्ड के नहीं, हर बच्चा से लेकर बूढ़े तक सबको इस चीज का पता है। यानी आज के डेट में मैं जो इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ, नंबर फोर में जो इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ वो है हेल्थ केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये पहले से चल ही रहा था कोरोना से पहले, कोरोना के साथ इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, अभी कोरोना के बाद ये और भी बढ़ेगा। यानी लोग अपना हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अभी अपना डाइट प्लान चेंज कर रहे हैं लोग, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे अभी लोग इतना ज्यादा कॉन्शियस है, अगर कोई भी छोटे से छोटे प्रॉब्लम आता है लोग उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं और उसके लिए लोग डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये पहले से ही रिसेशन प्रूफ है, मैं बता चुका हूँ, और ये पहले से ही दौड़ रहा था, बट इसका इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है। आपको ये देखना है कि इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बनना है, खाली डॉक्टर बनना जो है वो एक पार्ट है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है। यहाँ पे आप यहाँ पे डाइटिशियन बन सकते हो, आप यहाँ पे न्यूट्रिशियन बन सकते हो, या आप यहाँ पे टेक्नीशियन बन सकते हो, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप हेल्थ केयर एंड वेलनेस के इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप हेल्थ केयर या वेलनेस इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप यहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीजें है इस इंडस्ट्री के अंदर, और ये पूरे वर्ल्ड को ये समझ में आ चुका है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। जब बचपन में हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे हमने सीखे थे कि हेल्थ इज वेल्थ, और आज जो हम सीख रहे हैं और एक्चुअली कर रहे हैं कि मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक सबको इस चीज का पता है। सो इसके लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो आप अपने अंदर देखिए कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे अपना लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है फिफ्थ पॉइंट। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मेरे खुद के टीम जो है वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि हम लोग ये तकलीफ के टाइम पे हम सीख गए वर्क फ्रॉम होम का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को समझ गए कि वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वीडियो कॉल वगैरह हो गया, वो सारे हम सीख गए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है जो इस कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम करा रहे थे, और अभी वो लोग बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है ना उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्यों करेंगे? क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर बन चुका है, उनके एम्प्लॉय जो है उनके सिस्टम को समझ चुके हैं, वो लोग कंफर्टेबल है उस चीजों में। तो इसके लिए जो कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोविड के बाद वो लोग वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको एनकरेज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, उन लोगों का टीम मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, वर्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉल का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुका है, और अभी ये जो मैंने तीन सॉफ्टवेयर बोला, टीम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट या वीडियो कॉल, इसमें भी स्कोप बहुत ज्यादा है, इसमें कोई टेक्निकल जॉब भी हम कर सकते हैं और इसमें हम बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स एक दूसरा चीज बोलूं, जो नेटफ्लिक्स हो या प्राइम वीडियो हो, इस सब का, जैसे कि हॉटस्टार हो, इस सब का इस लॉकडाउन के दौरान सब्सक्रिप्शन काफी बढ़ा है। अगर हम डिजिटल पेमेंट मोड के बात करेंगे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सबका यूजेस काफी बढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा यूज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी में काफी स्कोप है।
अभी अगर आप टेक्नोलॉजी में मैं स्कोप के बात करूं, जॉब के बात करूं, बिजनेस के बात करूं, यहाँ पे हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, एप्स डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के काम कर सकते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप है। मतलब ये बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये सारी चीजों में आप जॉब भी कर सकते हैं, ये सारी चीजों में आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ये सारे इंडस्ट्री या ये सारे चीजें के रिलेटेड भी हम कुछ काम कर सकते हैं। यानी मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, मैं और आप उन्हीं लोगों में से नहीं है कि आपका गाड़ी का टायर पंक्चर होने के बाद वहां पे खड़े होकर रोते रहेंगे। मैं और आप उन्हीं लोगों में से है, अगर हमारे गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तरीके में नहीं लेंगे, हम उसमें से सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे निकल चलेंगे। यानी इस तकलीफ के दौरान अगर हमें ये सोचना है कि प्रॉब्लम है, हम डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है आप लोगों के लिए, मैं इसको समराइज करना चाहता हूं। इसमें जो टॉप फाइव मैंने बताया, सबसे पहले जो है वो है ई कॉमर्स, जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सेकंड जो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। थर्ड जो है वो है ऑनलाइन एजुकेशन, उसके बाद फोर्थ जो है वो है हेल्थ केयर एंड वेलनेस, एंड फिफ्थ जो है वो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब। सो फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में इतना बोलूंगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी के तलाश में है, आपके बिजनेस बंद हो चुका है, जॉब जा चुका है, ये पांच फील्ड में से आप चूज कर सकते हैं कि इसमें आप किस में जॉब कर सकते हैं या किस में बिजनेस कर सकते हैं, या इस पांच फील्ड में से किस में आप क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पांच फील्ड जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रोइंग फील्ड है इस कोरोना के साथ और कोरोना के बाद। फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बताऊंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को आप लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। आपको लगता है ये वीडियो किसी और फ्रेंड्स का काम का है तो प्लीज उनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड डे, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।